आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सचित शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, बहुत सारा वेलकम करता हूं आपके अपने चलन अन अकेडमी पे। सो सबसे पहले कैसे हैं आप सभी लोग? मम्मी जरा आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। एक बार जितने भी सभी लोग लाइव, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि कॉन्टेंट काफी अच्छा आज मैं कराने वाला हूं, जिससे कि आप सभी लोगों को बहुत सारी चीजें मिलेंगे सीखने को। तो एक बार जितने भी सभी लोग लाइव, एक बार जल्दी से भाई वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दो, क्योंकि आज का कंटेंट काफी अच्छा होने वाला है। तो आप उम्मीद और आशा करता हूँ आप सभी लोग चीजों को समझ पाएंगे और बहुत बेहतर तरीके से चीजों को सीखेंगे। जैसा कि आप सभी को बताया, अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर हम सभी लोग अनअकैडमी के साथ जुड़ते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। जैसे अगर हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर बात करें, तो माय नेम इज सचित शुक्ला, आई हैव डन मास्टर्स इन कॉमर्स फ्रॉम बीबीएस पीयू, आई ऑलरेडी हैव मोर देन 7 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग फील्ड एज अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स फैकल्टी। अगर आप सभी लोग अनअकैडमी के साथ जुड़ते हैं तो आप सभी लोगों को काफी कुछ बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। जैसे आप वो बेनिफिट्स देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल एक्सपर्ट की गाइडेंस के साथ टेस्ट का प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। आइकॉनिक प्लस दोनों ही वेरिएंट में हमारे पास सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जो प्लस में हमारे पास जो कोर्सेस है 20,000 का है, मगर ये जो कोड है SUCHIT10, अगर आप उस कोड को इस्तेमाल करेंगे तब आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। इट मीन्स दैट अगर आपका 20,000 का कोर्स है तो 2,000 डिस्काउंट करके आपका ये कोर्स 18,000 का पड़ेगा। इस तरीके से जो हमारे पास जो 50,000 का जो कोर्स है मेरे प्यारे दोस्तों, उसको अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए तो 5,000 का डिस्काउंट के साथ, मतलब यही कोर्स आपको 45,000 का ये कोर्स पड़ेगा। मगर उसके लिए आपको अगेन एक कोड जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। आगे हम लोग बात करें, ये हमारे पास प्लस आइकॉनिक के कुछ बेनिफिट्स हैं, आप सभी लोग उनको देख सकते हैं। ये लक्ष्य बैच और हमारे पास टारगेट जेआरएफ बैच आया हुआ है, आप इनको भी काफी अच्छे तरीके से, काफी अच्छा बैच आया हुआ, तो आप लोग इस बैच का जरूर एंजॉय ले सकते हैं और काफी बेहतरीन बैच है इंडिया के टॉप फैकल्टीज के द्वारा। तो बक्स बाउंटी है, कोई भी इनअप्रोप्रिएट अगर कोई कंटेंट पाया जाता है तो आप लोग रिपोर्ट करके मैक्सिमम से मैक्सिमम प्राइस भी जीत सकते हैं। स्पेशल क्लास के कुछ फीचर्स है, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, पोज द लर्नर, रेज अ हैंड, नेवर मिस अ क्लास, लेक्चर नोट्स एनी टाइम एनी वेयर, रह के आप लोग वीडियो को भी एक्सेस पा सकते हैं। सो अपकमिंग कुछ सेशन हमारे पास आए हुए हैं जो कि आप सभी लोग देख सकते हैं। अपकमिंग सेशन, अपकमिंग कुछ रिकॉर्डिंग सेशन भी है, आप सभी लोग उनके स्पेशल क्लासेस में जाके मेरा नाम सर्च करके आप लोग रिकॉर्डिंग स्पेशल रिकॉर्डिंग क्लास भी देख सकते हैं। सो चलिए माई डियर स्टूडेंट्स, एक बार क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग रेडी हैं? चलिए जल्दी से मुझे बताइए आप सभी लोग रेडी हैं तो हम क्लास को स्टार्ट करें। जितने भी सभी लोग लाइव है एक बार जल्दी से मुझे बताइए सभी लोग रेडी हैं तो मैं क्लास को स्टार्ट करूं। चलिए अब एक कंटेंट जो कि आप सभी लोगों के बीच में स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि काफी अच्छा इंपॉर्टेंट कंटेंट है, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं पढ़ना। नेहादेव, यस सर, ओके। सो आज का जो टॉपिक है, आज का माय डियर स्टूडेंट जो टॉपिक है, वो टॉपिक हम काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम लोग मान मैं उसको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मानता हूं। तो वो जो टॉपिक है हमारे पास वो है टॉपिक प्राइस डिटरमिनेशन का। किसका टॉपिक है मुझे बताइए? वो जो टॉपिक है हमारे पास वो है प्राइस डिटरमिनेशन का। हम प्राइस डिटरमिनेशन के टॉपिक को हम लोग आज की क्लास में करेंगे, ठीक है? क्या होता है प्राइस डिटरमिनेशन, इसको हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेके पूरा एंड तक हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में हम लोग इसको खत्म करें। तो जितने भी सभी लोग लाइव, एक बार जल्दी से भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे, क्योंकि कंटेंट काफी सॉलिड होने जा रहा है मेरे भाई, ठीक है? देखिए प्राइस डिटरमिनेशन की बात करें, एक छोटा सा पहले इंट्रोडक्शन समझो। जैसे मान के चलो अगर हम किसी भी मार्केट में जाते हैं, अगर जब भी हम किसी बाजार में जाते हैं हमें दो लोग देखते हैं, दो दो लोग देखने को मिलते हैं। एक तो हमारे पास वो जो बंदा खुद बायर हो और एक तो वो बंदा जो सेलर हो। बायर और सेलर दो बंदे मिलते हैं। तो बायर क्या करता है बोलो? बायर अपनी डिमांड रखता है, हाँ है ना? और सेलर क्या करता है बोलो? सेलर मेरे प्यार दोस्तों वो सप्लाई करता है। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलने की कोशिश करूं? बायर अपनी डिमांड रखता है और सेलर क्या करता है बोलो? अपनी सप्लाई करता है। इस तरीके से अगर मैं बात करूं, अगर मान के चलो बायर ने डिमांड रखी, मान के चलो 1,000 यूनिट की डिमांड रखी, बातों को बहुत ध्यान से समझना। बायर ने डिमांड रखी 1,000 यूनिट की और 200 रुपए में चाहता है, वो चाहता है 200 रुपए में मुझे 1,000 यूनिट मिले। और सेलर भी मान के चलो 1,000 यूनिट की ही सप्लाई कर देता है, मगर वो 200 रुपए में कर रहा है। 200 रुपए में अगर वो 1,000 यूनिट की सप्लाई कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ माय डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो इस कॉमोडिटी की जो डिमांड थी वो किसके बराबर हो गई बोलो जल्दी से? वो सप्लाई के बराबर हो गई, हाँ है ना? मतलब डिमांड जो है वो किसके बराबर हो गई बोलो? सप्लाई के बराबर हो गई।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जब डिमांड और सप्लाई के बराबर हो गया तो इसका मतलब ये सिचुएशन किसका आएगा बोलो, ये सिचुएशन हमारा किसका है बोलो, ये हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम का सिचुएशन होगा। जरा सा भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी है तो मुझे बताइए। सो मार्केट इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है? मार्केट इक्विलिब्रियम का कंडीशन मतलब ये होता है क्या, एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसा सिचुएशन जब हमारे पास मार्केट की जो डिमांड है वो मार्केट की सप्लाई के बिल्कुल बराबर आ जाए। बोलो हाँ है ना, एक ऐसी कंडीशन जब मार्केट की डिमांड मार्केट की सप्लाई के बिल्कुल बराबर आ जाए। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी है तो मुझे बताइए जल्दी से, फास्ट बताइए। अब इसको अगर मैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की बात करूं माय डियर स्टूडेंट, देखो डायग्रामेटिक, देखो डायग्राम किस तरीके से बनेगा। XOY ये हमारे पास देखो डिमांड कर्व हो गया, ठीक है, ये हमारे पास डिमांड कर्व हो गया और ये हमारे पास देखो क्या बिल्कुल सीधा सप्लाई कर्व हो जाएगा। अब ये हमारे पास जो ये पॉइंट है ना, पॉइंट ई है, वो हमारे पास क्या बोलो, पॉइंट ई जो है हमारे पास वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो अब हमारे पास ये डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, ये हमारे पास OQ क्वांटिटी और ये हो गया हमारे पास OP। सो हमारे पास देखो क्या बोलेंगे हम उसको, ये क्वांटिटी डिमांडेड और ये हमारे पास माय डियर स्टूडेंट सप्लाइड, क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड हो गया और ये हमारे पास क्या हो जाएगा बोलो जल्दी से, ये हमारे पास प्राइस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। सो अब हम लोग अगर यहाँ पे देखें, बहुत ध्यान से चीजों को समझिए तब जाके आपको चीजें समझ में आएंगी। देखिए ये देखो ये जो पॉइंट ई है माय डियर स्टूडेंट, जो ये पॉइंट ई है, इस पॉइंट ई को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलते हैं बोलो, इस पॉइंट ई को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। किसी बात में अगर कोई तकलीफ है तो मुझे बताना, ठीक है। और यहाँ पे जो डीडी है ना, डीडी को हम लोग बोलते हैं डिमांड कर्व और जो एसएस है, एसएस को हम लोग बोलते हैं क्या, सप्लाई कर्व। ये डायग्राम आप सभी को समझ में है, किसी बात की अगर कोई तकलीफ है आप लोग मुझे बताइए। तो ये हमारे पास अभी इक्विलिब्रियम का डायग्राम मैंने बताया, इक्विलिब्रियम का डायग्राम बनाया। जल्दी से मुझे बताइए नेहा और मोनी जी, बात में कोई तकलीफ तो नहीं है ना, जल्दी से मुझे बताइए। अब हम लोग मान के चलते हैं, एक केस मैं लेके चलता हूँ, एक केस लेके चलता हूँ जिसका नाम है हमारे पास इंक्रीज इन डिमांड। अब इंक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या होता है, बातों को बहुत ध्यान से समझना। इंक्रीज इन डिमांड का मतलब होता है कि हमारा जो डिमांड है वो इंक्रीज कर रहा है। जस्ट सपोज ये मार्केट है मेरे प्यारे दोस्तों, मार्केट की बात करें तो मार्केट में हमारे पास बायर आता है और ये सेलर आता है। तो बायर ने क्या रखी बोलो, अपनी डिमांड रखी। मेरी बात समझ में आ रही बात बोलो जल्दी से, है ना। और सेलर ने क्या किया बोलो जल्दी से, अपनी सप्लाई रखी। तो अगर मार्केट में उसने डिमांड रखी, सेलर ने अपनी सप्लाई रखी, तो हुआ क्या कि भाई मान के चलो 1000 यूनिट की डिमांड थी मार्केट में, 1000 यूनिट की डिमांड थी और 1000 यूनिट की डिमांड थी और प्राइस कितना था बोलो 200 रुपए। अब सप्लाई भी कितनी कर दी बोलो, 1000 यूनिट की सप्लाई कर दी और प्राइस कितनी बोलो जल्दी से 200 रुपए की। हाँ है ना, इस तरीके से अगर हम लोग बात करें, सो 1000 यूनिट की डिमांड अगर 200 रुपए की, 200 रुपए के रेट पे और 1000 यूनिट की सप्लाई 200 रुपए के रेट से, तो बात समझने वाली कुछ इस प्रकार से है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझिए। अगर मान के चलिए अचानक से डिमांड बढ़ती है, तो डिमांड बढ़ के 1000 से मान के चलो 1200 यूनिट की हो जाती है। तो जैसे ही डिमांड बढ़ेगी तो है ना, जैसे ही डिमांड बढ़ेगी है ना, तो हर कंज्यूमर चाहता है कि भाई हम लोग जो है 1200 यूनिट की डिमांड चाहता है। अब ऐसे किस प्राइस पे जो सेलर जो है वो 1200 यूनिट की सप्लाई करे, ऐसा किस प्राइस पे जो है वो सेलर 1200 यूनिट की क्या करे बोलो, सप्लाई करे, तो वो प्राइस हमें निकालना है। अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे डायग्राम बनाऊं मैं, यहाँ पे ये XO और ये क्या बोलो जल्दी से Y, ये हमारे पास देखो क्या, ये डिमांड कर्व हो गया और ये क्या हो गया बोलो जल्दी से, ये सप्लाई कर्व हो गया। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी तो नहीं ना, ये डिमांड कर्व हो गया, ये सप्लाई कर्व हो गया। पॉइंट ई है जो हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये पॉइंट ई है माय डियर स्टूडेंट जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये ओक्यू हो गया और ये क्या हो गया बोलो जल्दी से, ओपी हो गया। इसको हमने नाम दे दिया क्या, क्वांटिटी डिमांडेड और क्या दे दिया बोलो हमने, सप्लाइड, और ये क्या हो गया बोलो जल्दी से, हमने ये प्राइस बोल दिया। हाँ है ना, तो क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड हो गया। इस तरीके से अगर हम लोग बात करें प्यारे दोस्तों, अब देखो ध्यान से, बिल्कुल बेसिक से समझना है। अब देखो क्या होगा बोलो कि जो देखो डिमांड बढ़ी ना, डिमांड बढ़ी, तो डिमांड अगर बढ़ेगी तो डिमांड कर्व कहां शिफ्ट हो जाएगा बोलो जल्दी से, राइटवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे डिमांड बढ़ेगा तो एक डिमांड का राइटवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा, तो एक नया डिमांड का फॉर्म हो जाएगा, दैट इज D1 D1। तो D1 D1 एक नया डिमांड का फॉर्म हो जाएगा, तो इससे क्या होगा बोले, एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला, दैट इज पॉइंट E1। सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास जो पॉइंट E1 है, एक न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा और न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट के अकॉर्डिंग ये हमारे पास OQ1 जो है, OQ1 सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी, सो OQ1 जो है, OQ1 न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ जाएगा और ये हमारे पास OP1 आ जाएगा। हाँ है ना,
अब ये जो माई डियर स्टूडेंट जो ओपी है उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, क्या बोलते हैं बोलो? ओके, ओपी को क्या बोलते हैं बोलो? इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। और ओक्यू को क्या बोलते हैं बोलो? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोलते हैं। हाँ है ना, ओपी को बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस और ओक्यू को क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक है इस तरीके से। और ई जो पॉइंट है, जो पॉइंट ई है उसको हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है ना। ई पॉइंट को क्या बोलेंगे बोलो? इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे। अब चूंकि डिमांड बढ़ा है, तो डिमांड के बढ़ने से क्या वो बोलो, जो डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं, अगर मैं आपसे रिजल्ट की बात करूं यहां से, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिजल्ट क्या होगा, तो मुझे बताइए रिजल्ट क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट सिर्फ इतना होगा, आप समझो ध्यान से, कि ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड, ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड, देखो ध्यान से समझिए, ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड का शिफ्टेड राइटवर्ड इन डायरेक्शन, ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड कब शिफ्टेड राइटवर्ड इन डायरेक्शन, एज अ रिजल्ट प्राइस विल राइजेस फ्रॉम, क्या लिखेंगे बोलो? कि जो प्राइस होगा ना वो राइज होगा किससे बोलो? प्राइस विल राइजेस फ्रॉम ओपी टू ओपी वन, प्राइस राइज होगा किससे बोलो? ओपी से ओपी वन। एंड क्वांटिटी विल ऑल्सो राइजेस, क्वांटिटी क्या करेगा बोलो? ऑल्सो राइज करेगा, कहां से कहां तक बोलो जल्दी से? ओक्यू से ओक्यू वन तक, क्वांटिटी विल ऑल्सो राइजेस फ्रॉम ओक्यू टू ओक्यू वन। सो प्राइस प्राइस राइज करेगा कहां से बोलो जल्दी से? ओपी से ओपी वन, और क्वांटिटी ऑल राइज करेगा क्या बोलो जल्दी से? ओक्यू से ओक्यू वन। बहुत बढ़िया, अब जल्दी से एक काम करिए, आप सभी लोग ना एक डायग्राम बनाइए, आप एक डायग्राम बनाइए जल्दी से, ये कि हमारे पास डिक्रीज इन क्वांटिटी, डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड की वजह से प्राइस और क्वांटिटी में क्या फर्क पड़ेगा मुझे बताइए जल्दी से, फास्ट, चलिए जल्दी से बताइए, फास्ट बताइए। जल्दी बताइए, कम ऑन, देखिए डिक्रीज इन डिमांड, अब हम लोग डिक्रीज इन डिमांड की बात करते हैं। सो डिक्रीज इन डिमांड की बात करें तो ये एक्स ओ वाई हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास देखो क्या, डिक्रीज इन डिमांड में ये हमारे पास रिड्यूस इन डिमांड कर्व हो गया, ठीक है। और डिक्रीज इन डिमांड में फिर हमारे पास ये हो गया क्या, एसएस इज सप्लाई कर्व। अब ये क्या हो गया बोलो जल्दी से? पॉइंट ई हमारे पास, पॉइंट ई जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, ठीक है, पॉइंट ई जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या, और डिक्रीज इन डिमांड बोले ना, तो डिमांड को डिक्रीज करके दिखा दो। So, जैसे डिमांड को डिक्रीज करेंगे तो हमारे पास देखो क्या होगा बोलो, कि डिमांड को डिक्रीज करके दिखा दिया हमने, एक नया डिमांड कब शिफ्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड D1 D1। सो जैसे डिमांड कब नया शिफ्ट हुआ, तो एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आया, जैसे पॉइंट E1, तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया हमारे पास, तो ये OQ1 था, ये OQ था, और ये हमारे पास क्या था बोलो जल्दी से? OP था, तो ये OP1 आ गया, ठीक है। नीचे क्या कर दिया बोलो हमने, हमने बोल दिया कि क्वांटिटी डिमांडेड या सप्लाइड कर दिया हमने, और यहाँ पे क्या कर दिया बोलो हमने, ये हमने सिर्फ यहाँ पे प्राइस कर दिया, हाँ है ना, ठीक है। तो ये डिक्रीज इन डिमांड का था। अब डिक्रीज इन डिमांड का क्या रिजल्ट देना चाहोगे आप सभी लोग मुझे बताइए। सो डिक्रीज इन डिमांड का क्या रिजल्ट होगा बताइए जल्दी से? ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड का क्या रिजल्ट देना चाहोगे बताइए जल्दी से, फास्ट। चलिए मुझे बताइए,
डिक्रीज इन डिमांड से क्या इफेक्ट आता है? सभी लोग जल्दी से मुझे बताइए, कम ऑन माय डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से बताइए डिक्रीज इन डिमांड से क्या इंपैक्ट आता है, बताओ जल्दी से फास्ट। देखिए क्वांटिटी ये इधर शिफ्ट हो गई और ये हमारे पास, तो हम लोग देख पा रहे हैं क्या रिजल्ट ये है कि ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड, क्या लिखेंगे बोलो, कि हमारे पास डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड के डिक्रीज होने से हमारे पास जो प्राइस है वो फॉल हुआ है। सो प्राइस विल फॉल, अरे हाँ है ना, डिमांड के डिक्रीज होने से प्राइस फॉल हुआ है एंड क्वांटिटी विल ऑल्सो फॉल। बात को ध्यान से समझो, प्राइस तो फॉल हुआ है और इसके साथ साथ हम लोग बोल सकते हैं क्या क्वांटिटी ऑल्सो क्या हुई, बोले मेरे प्यारे दोस्तों वो फॉल हुई है। तो प्राइस जो फॉल हुआ है हमारे पास मतलब ओपी टू ओपी वन हुआ है और क्वांटिटी जो है वो भी हमारे पास फॉल हुआ है, किसने बोले जल्दी से, ओक्यू टू ओक्यू वन हुआ है, हाँ है ना। किसी बात में कोई तकलीफ और कोई परेशानी तो मुझे बताइए जल्दी से फास्ट, बताइए कम ऑन माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से मुझे बताइए फास्ट, बताइए जल्दी से। अब देखिए ये हमने बेसिकली हमने इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन, अब देखो अब हमें एक काम करना है, दो चीजें देखनी है, हमें देखना है इंक्रीज इन सप्लाई, क्या देखना है बोलो जल्दी से, इंक्रीज इन सप्लाई, और एक देखना है मेरे प्यारे दोस्तों उसको देखना है डिक्रीज इन सप्लाई, एक देखना है हमें इंक्रीज इन सप्लाई, एक हमें देखना है क्या डिक्रीज इन सप्लाई। अब देखिए इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है, सो इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई को एक बार हम लोग कोशिश करते हैं हम लोग इसको पढ़ने की, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका रिजल्ट, जल्दी से मुझे बताइए कि व्हाट विल बी द इंपैक्ट इफ देयर इज एन इंक्रीज इन सप्लाई, अगर इंक्रीज इन सप्लाई होता है तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा और डिक्रीज इन सप्लाई होता है तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जल्दी से मुझे बताइए फास्ट। चलिए भाई बना लिया आप लोगों ने, चलिए भाई आगे बढ़े हम लोग डिस्कस करते हैं। बेसिकली अगर इंक्रीज इन सप्लाई होता है तो इंक्रीज इन सप्लाई का डायग्राम आप बनाइए मेरे साथ, बनाइए जल्दी से। देखो ये एक्स वाई हो गया, ये डिमांड कर्व है, डिमांड डिक्रीज है डिमांड कर्व, और इस तरीके से हमारे पास ये एसएस इज सप्लाई कर्व, ठीक है। तो ये जो पॉइंट ई है वो पॉइंट ई क्या है बोलो, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट ई जो है माय डियर स्टूडेंट्स वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो ये ओ क्यू वन हो गया और ये क्या हो गया बोलो ओपी हो गया, ठीक है, ये ओ क्यू वन हो गया और ये ओ क्यू हो गया, ये हमारे पास बेसिकली ओपी हो गया। अब इंक्रीज इन सप्लाई, तो सप्लाई को इंक्रीज करके दिखाओ भाई, चलो भाई सप्लाई को इंक्रीज करके दिखाते हैं। ये हमारे पास जो है सप्लाई को मैंने क्या कर दिया बोलो, इंक्रीज करके दिखा दिया, हाँ है ना। जैसे मैं सप्लाई को इंक्रीज करके दिखाऊंगा तो देखो क्या होगा बोलो, कि सप्लाई को इंक्रीज करके दिखाया हमने और इसने क्या किया बोलो, इसको यहाँ पे इंटरसेप्ट किया, तो ये हमने क्या कर दिया बोलो, ये OP1 हो गया और ये क्या हो गया बोलो OQ1 हो गया, हाँ है ना। तो ये देखो क्वांटिटी बढ़ गई इससे और प्राइस भी घट गया, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ क्या, देखो ये क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड हो गया और ये क्या हो गया बोलो जल्दी से, ये हमारे पास ये प्राइस हो गया, हाँ है ना। सो ड्यू टू इंक्रीज इन सप्लाई, अगर हम लोग बोले ध्यान से देखो कि ड्यू टू इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई के इंक्रीज होने से, सप्लाई के इंक्रीज होने से हम लोग देख पा रहे हैं क्या, सप्लाई के इंक्रीज होने से देखो क्या होगा बोलो जल्दी से, प्राइस फॉल होगा, है ना। प्राइस सप्लाई के इंक्रीज होने से क्या होगा बोलो, प्राइस फॉल होगा, दैट इज क्या होगा बोलो ओपी से ओपी वन तक जाएगा, है ना। और एंड हम लोग बोल सकते हैं क्या, क्वान्टिटी ऑल्सो राइज करेगा, कहाँ बोलो जल्दी से, क्वान्टिटी ऑल्सो राइज करेगा, कहाँ बोलो, कि
OQ to OQ1, quantity also rises from OQ to OQ1, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी है क्या, ये रिजल्ट हमें बेसिकली फाइंड आउट करना था। एक बार जल्दी से यही आपको बताने क्या डिक्रीज इन सप्लाई में, डिक्रीज इन सप्लाई का केस बताने। चल मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। एक बार आपको डिक्रीज इन सप्लाई का केस आप सभी को बताना है, ठीक है? डिक्रीज इन सप्लाई क्या होता है, कम ऑन। डिक्रीज इन सप्लाई, चलिए सो डिक्रीज इन सप्लाई जल्दी से मुझे बताइए, कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों। डिक्रीज इन सप्लाई के वजह से हमारे प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में क्या, प्राइस और हमारे पास क्वांटिटी सप्लाइड में क्या अंतर आएगा मुझे बताइए जल्दी से। डिक्रीज इन सप्लाई की वजह से प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाइड में क्या अंतर आएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ फास्ट। बताइए भाई डिक्रीज इन प्राइस से क्या फर्क पड़ेगा, कम ऑन। डिक्रीज इन सप्लाई से देखिए मैं इसका डायग्राम बना के दिखाता हूं और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से हम लोग देखेंगे क्या कि डिक्रीज इन सप्लाई से क्या एक्चुअल में फर्क पड़ेगा। देखिए अगर हम लोग डिक्रीज इन सप्लाई की बात करें तो ये हमारे पास XOY हो गया, ये हमारे पास डिमांड कर्व हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया बोलो, सप्लाई कर्व हो गया। पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया ये, और ये OQ हो गया, ये OP हो गया, ये हमारे पास जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड या सप्लाइड हो गया, ठीक है? और ये हमारे पास देखिए क्या हो गया बोलो, ये हमारे पास प्राइस हो गया। सो डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब होता है कि सप्लाई कर्व जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट होगा, है ना? क्या होगा बोलो जल्दी से, सप्लाई कर्व बैकवर्ड शिफ्ट होगा। So, हमारे पास एक नया सप्लाई का ड्रॉ होगा, दैट इज S1, S1 इज अ न्यू सप्लाई का। तो सप्लाई का बिल्कुल बैकवर्ड में शिफ्ट होकर वो यहाँ पहुंच गया, तो एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट लॉन्च होगा, दैट इज पॉइंट E1, ठीक है? नया इक्विलिब्रियम पॉइंट लॉन्च होगा, दैट इज पॉइंट E1, और ये OQ1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बोलते हैं ये OP1 हो जाएगा, है ना? So, जैसा कि देख पा रहे हैं हम सभी लोग, बहुत ध्यान से समझना। सो अगर हम लोग बात करें जो प्राइस जो है वो राइज हो रहा है, प्राइस जो है प्राइस हो रहा है कैसे बोलो, ओपी टू OP1 हो रहा है, हाँ ना? किसी बात की कोई तकलीफ नहीं। और क्वांटिटी जो है ना, क्वांटिटी में माय डियर स्टूडेंट क्वांटिटी विल आल्सो फॉल, क्वांटिटी विल फॉल फ्रॉम OQ टू OQ1। बात आ रही है सुनने, OQ से लेके OQ1 तक फॉल करेगी। किसी बात की कोई तकलीफ और कोई भी जरा सा भी अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए।
इसी बात में अगर कोई तकलीफ है तो आप सभी लोग मुझे तुरंत बताएं कि जो प्राइस राइज होगा कहाँ बोलो ओपी से लेके ओपी वन, और क्वांटिटी और फॉल होगा कैसे बोलो ओक्यू टू ओक्यू वन। और ये हमारे पास डायग्राम है। अब देखिए अगर हम लोग आगे बात करें एक और सिचुएशन की, एक और सिनेरियो की बात करते हैं, मुझे एक बात बताइए। हमारे पास देखो दो सिचुएशन है, ठीक है। अब एक बात बताइए, जो इंक्रीज इन डिमांड, अगर आपसे अगर कोई पूछे कि सर एक बात मुझे बताइए कि अगर इंक्रीज इन डिमांड जो है वो बिल्कुल सेम हो इंक्रीज इन सप्लाई के, ठीक है। अगर मान लो एक सिचुएशन ये आ जाती है, इंक्रीज इन डिमांड का जो सिचुएशन हो वो बिल्कुल सेम हो किससे बोलो इंक्रीज इन सप्लाई के, या अगर आपसे कोई पूछे कि सर एक बात बताइए कि अगर डिक्रीज इन डिमांड जो है वो बिल्कुल बराबर होगा किसके बोलो डिक्रीज इन सप्लाई के, तो क्या करना होगा। तो अब मुझे बताइए कि क्या करना होगा, मुझे बताइए जल्दी से फास्ट। सो टेल मी द रीजन वेयर कि अगर हमारे पास जो इंक्रीज इन डिमांड अगर बराबर होगा इंक्रीज इन सप्लाई के, और टेल मी द रीजन अगर इंक्रीज इन डिक्रीज इन डिमांड जो है वो डिक्रीज इन सप्लाई के बराबर होगा, तो ये जो केस है माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास साइमल्टेनियस का केस है। साइमल्टेनियस का ये मेरे प्यारे दोस्तों वो हमारे पास केस है। अब साइमल्टेनियस का जो केस है उस केस को हमें क्या करना है बोलो, हमें करना है। सो साइमल्टेनियस का जो केस है, अगर हमारे पास इंक्रीज इन डिमांड अगर बराबर होगा किसके बोलो इंक्रीज इन सप्लाई के, डिक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन सप्लाई के बराबर होगा, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे मुझे जल्दी से आप सब लोग बताइए, कम ऑन फास्ट बताइए। कम ऑन सभी लोग बताएं भाई जल्दी से फास्ट। सो बताइए भाई अगर डिमांड और सप्लाई का जो इंक्रीमेंट है अगर वो सेम प्रोपोर्शन में रहेगा तो क्या करना है। चलिए जल्दी बताइए। अब देखिए मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा और दोनों डायग्राम को हम लोग समझेंगे, ठीक है। कहा गया ये देखिए, अब हमारे पास देखो ये एक्सओ वाई हो गया, ये डिमांड कर्व हो गया, ये सप्लाई कर्व हो गया, ठीक है। अब इंक्रीज इन डिमांड जो है, अब जो देखो ये और ये, ठीक है, ये OQ और ये OP है ना। अभी हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड और ये सप्लाइड, और ये मेरे प्यारे दोस्तों प्राइस, ठीक है। अब देखिए हमारे पास देखो क्या इंक्रीज इन डिमांड जो है इंक्रीज इन सप्लाई के बराबर आना चाहिए। देखो इंक्रीज इन डिमांड हमारे पास नया डिमांड करवा गया D1 और इंक्रीज इन सप्लाई देखो प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए, मतलब जो ये गैप होना चाहिए ना वही सेम गैप ही होना चाहिए। तो इंक्रीज इन सप्लाई ये हमने कर दिया, तो इंक्रीज इन डिमांड जो है किसके बराबर होना चाहिए बोलो इंक्रीज इन सप्लाई। तो इसका मतलब ये हो कि हमारे पास ये तो पॉइंट ई था और ये पॉइंट क्या आ गया बोलो ई वन आ गया, ये ओ क्यू वन आ गया, हाँ है ना। सो हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि ड्यू टू, मैं बोल सकता हूँ मेरे डियर स्टूडेंट क्या,
ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड अगर हमारे पास मान के चलो इंक्रीज इन डिमांड जो है वो बिल्कुल सेम प्रपोजन किसके बोलो इंक्रीज इन सप्लाई के, तो इस केस में प्राइस विल नॉट चेंज, प्राइस विल नॉट चेंज, प्राइस जो है वो कोई चेंज नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, बट क्वांटिटी में भी चेंज फ्रॉम OQ टू OQ1, सॉरी बट जो क्वांटिटी जो चेंज होगा वो OQ से लेके OQ1 तक चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर बताएं। बोलिए सर कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब आपको क्या करना है, डिक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन सप्लाई आपको घर पे बनाना है ना, अपने पास बनाना है, उसके बाद फिर आप मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाकी मिले अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर कंटिन्यूअसली वॉचिंग मी। अब हम लोग एक अगर हम लोग बात करें आगे, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अनअकैडमी में प्लस अकॉर्डिंग दो वेरिएंट में सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, आप सभी लोग पर्सनल गाइडेंस स्टडी प्लानर स्टडी मटेरियल एक्सपर्ट की गाइडेंस के साथ डेस्क का प्रॉपर तरीके से लेसन कर सकते हैं। प्लस आइकॉनिक दो वेरिएंट में सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, अगर आप लोग 24,000 का आइकॉनिक का बैच लेते हैं तो 50,000 का है, जिसमें आपको 5,000 का डिस्काउंट चाहिए तो आपको एक कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा SUCHIT10, अगर आप इस कोड को इस्तेमाल करेंगे तब आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इस तरीके से 20,000 का जो कोर्स है उसमें आपको 2,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, मगर उसके लिए अब यही कोर्स आपको 18,000 का पड़ेगा, मगर उसके लिए आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा SUCHIT10, इसमें आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप सभी लोग लगातार हमारी क्लास में बने रहे। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक गुड बाय फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, और आप सभी लोग वीडियो में जरूर बने रहना अगली क्लास में। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक गुड बाय फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ध्यान रखना, ठीक है।